rich. I'm rich. Come and sum my body rich. भैया व्लॉग की स्टार्टिंग करो। व्लॉग की स्टार्टिंग करें? हाँ। क्या बताना है कि आज हम ये सब मतलब यही बताना है ना। हाँ, गाड़ी क्यों करवाने आए हैं। वैसे मैंने कल के व्लॉग में बता दिया था कि आज हम गाड़ी ठीक कराने जा रहे हैं, फाइनली वैसे पहुंच गए। स्टार्टिंग भैया करेंगे, बट स्टार्टिंग भैया करेंगे। भैया क्या करेंगे, भैया वो करेंगे असली स्टार्टिंग। तो हमारी गाड़ी लग गई तो अपनी हम लोग बनाने में लग रहे हो यार। वैसे इनको एक स्टैंड बाय पे गाड़ी हमारे को देनी चाहिए कि लो भैया स्कॉर्पियो लो ले जाओ। स्टैंड बाय पे मेरी गाड़ी खड़ी तो है। अरे उन्हें थोड़ी ना बताएंगे। अच्छा उन्हें नहीं बताना तो ये कौन सी देंगे, नैनो देंगे हमारे को। कारों नैनो की वैसी टक्कर चल रही है। चलो भाई फाइनली पहुंच गए महिंद्रा, अब अंदर जाके देखते हैं क्या खर्चा आएगा। चलो भाई अपनी गाड़ी अब जाएगी डॉक्टर साहब के पास। ठीक होने अच्छे से ठीक होके आइयो, अब बहुत तेरे को घुमाना है चलाना है, बड़े शौक पूरे करने हैं। चलो वहाँ खड़े हैं हमारे वरुण भैया, गाड़ी निकाल रहे हैं। अब ऐसे सब चीज़ें हो तो गई हैं, जितना मैं सोच रहा था ज़्यादा टाइम लगेगा उतना लगा नहीं टाइम। ये देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं अपने पास। यार छोटी गाड़ी का एक फ़ायदा, भैया ने एक बारी में पूरी घुमा दी। यही अगर थार होती ना एक बार तो बैक लेनी पड़ती। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका महिंद्रा की वर्कशॉप में? बहुत बढ़िया। बिना जान पहचान के तो हम आते नहीं हो, बहुत अच्छी। अगर बिना जान पहचान के आए ना तो सच में यहाँ तो हमारी गाड़ी रिपेयर नहीं करेंगे। इतना टाइम लगाते हैं। फाइनली गाड़ी का एक बहुत बड़ा टास्क था वो कंप्लीट हुआ। आज का दिन तो वैसे मेरा घर पे ही रहने वाला है, मैंने कहीं बाहर जाना नहीं है, मुझे घर पे 3-4 काम है वो निपटाऊंगा। कल का जो व्लॉग है वो एडिट करना है एक बार बैठ के। करण से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली, उसने बोला भैया ऐसे ऐसे कर देना व्लॉग प्रॉपरली एडिट हो जाएगा, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही होगा। दैट्स इट ओके। बाकी उसने बोला है शायद आज वो आएगा घर पे शाम को तो एक बार मेरी एडिटिंग को चेक करेगा। अभी तक मैं उसके टेस्ट लिया करता था, उसके टेस्ट चेक करता था, अब वो मेरा टेस्ट लेगा, वो मेरी परफॉर्मेंस चेक करेगा कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो चलो अब मिलते हैं आप लोगों से घर पहुंच के, या फिर अगर हमने बीच में कहीं पे कुछ खाया तो वहाँ पे मिलेंगे आप लोग। नहीं हम भूखे जाएंगे आज, लेट हो रहे हैं क्योंकि। हम भूखे जाएंगे अब घर पे ही मिलेंगे सीधा। बाय बाय। पेपर ट्रेडिंग कर रहा है देखो गाइस, और ये सर जी हमारे मार्केट देख रहे हैं। सर ट्रेड ली कोई? वैसे वहाँ पे हमने भी एंट्री ली थी। कितना प्रॉफिट चला? 1000 बुक कर लिया मैंने। बुक कर लिया? हाँ। अबे जब ट्रेड चल वैसे तो नहीं नहीं ट्रेड ये पूरी थी, मैंने बीच में एग्जिट किया बिकॉज मेरा डे का टारगेट निकल चुका था, एंड फर्दर मोर जो इतने पॉइंट्स बचे हैं इसको हम डालेंगे पेपर ट्रेडिंग में, देखते हैं आएगी या नहीं। आपकी पेपर ट्रेड कैसी चल रही सर? भाई सही बात है, रास की बात पता ही चल जाती है, वो भी तेरे जैसे को जिसकी ये जिसकी नजर से बेचारा पंछी नीचे गिर के मर जाए। ये बंदा मैं बता रहा हूँ ये वो है जो पेपर ट्रेडिंग में भी लॉस में रहता है। दुनिया रियल अकाउंट में लॉस करती है, पेपर ट्रेडिंग में तब भी प्रॉफिट करती है। अबे अपनी बात में ये पेपर ट्रेडिंग में भी लॉस करता है। हाँ दिखाइयो, अभी रुक तू, दिखा पेंडल दिखा। सो एक ना दुविधा मेरे साथ ये हो गई है, और ये हर ट्रेडर के साथ होती है, कि जो मेरा टारगेट है ना वो तो मतलब कैसे समझो, जो चार्ट के ऊपर टारगेट है वो तो भी अचीव नहीं, जैसे जो चार्ट के ऊपर टारगेट है वो ये है मेरा, मतलब समवेयर अराउंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी को यहाँ पे आके रुकना चाहिए, रेक्टेंगल के पास आके रुकना चाहिए। मैंने एंट्री कहाँ बनाई थी वो भी दिखा देता हूँ। अब जब ये वाला लेवल यहाँ कहीं ब्रेक हुआ था, प्लस ये मेरा अपना खुद का सुपर ट्रेंड है, मैंने इसकी कस्टमाइज कर रखी है सेटिंग्स, इसने इसको तोड़ा ऊपर गया, रीटेस्ट करे, इस लेवल का भी रीटेस्ट हो गया, मेरे सुपर ट्रेंड से भी रिजेक्शन ले ली, फिर नीचे आ गया ये। तो मैंने यही की एंट्री बनाई थी। अब दुविधा ये है कि चार्ट के ऊपर टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट अगर मैं अपना प्रॉफिट रेशियो चेक करूं, मतलब मैंने जितना डिप्लॉय करा था मैंने इस ट्रेड के अंदर 2 लाख के आसपास डाले थे, अभी रनिंग चल रहा है 65-70,000 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा नहीं 15-20% के बीच में निकाल के इंट्राडे ट्रेड के अंदर मैं बाहर आ गया।
अब यहाँ पे तो आ चुका है टारगेट, बट मुझे लग रहा है जिस हिसाब के मार्केट में वीकनेस है ना, विक्स भी शूट अप हो रहा है, 11:30 पे विक्स पहुंच चुका है, 11.7% ऊपर है। आई थिंक मुझे होल्ड करना चाहिए अभी फिलहाल, जैसा मेरे को चार्ट ट्रेडिंग बोल रही है मुझे होल्ड करना चाहिए, तो ये एक ऐसा पॉइंट है मैं चाहूँ हाफ क्वांटिटी बुक कर लूँ, ट्रेल कर लूँ, बट मैं बिल्कुल कुछ भी उन सब चीज़ों में अभी नहीं पड़ रहा, मैं इसको पूरे को राइड करना चाहता हूँ। नीचे तक देखते हैं क्या होता है, अगर मुझे लगा कहीं से रिवर्सल आ रहा है तो मैं क्विक एग्जिट कर दूंगा। देखो प्रीमियम ऐसे भाग रहे हैं अभी सीधा 70 से 50 आ गया, बहुत तेज़ी से प्रीमियम भाग रहा है, बहुत तेज़ी से, ये अगर मेरे फेवर में चला गया ना सीधा 1 लाख प्लस हो जाएगा। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे लगाते हैं, बस मुश्किल से एक हफ्ते बाद दूसरी था, मुश्किल से 6 महीने, 6 महीने बाद फिर हवा भाई। पहली तार में पूरा बजा दिया। और ये रहे हम महानता की मूरत जो पुट को बुक करके बैठ गए हैं, विक्स कहीं भाड़ में ऐसी कोई चीज नहीं होती, हम नहीं देखते भाई। ये देखो सारे, देखो करण का काम मुझे करना पड़ रहा है, करण तो भाई साहब चला गया, सलमान खान बनने वी मिस यू भाई, तू हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा, तू चला गया। अच्छा जिंदा है, यहाँ थोड़ी बहुत एडिटिंग भी चल रही है, ये हमारा बॉक्सर यहाँ लेटा है और ये अभी भी लेटा ही है, ये हमारा बॉक्सर यहाँ लेटा है। देखो रियल दिखाते हैं हम, कुछ भी फेक नहीं दिखाते, देखो यहाँ पे भी लेटा, वहाँ भी लेटा, लेटा रहता है वो, फेक कुछ नहीं हमारे पास, शाही ठाट है, पीयूष पे जा रहा है हमारा बॉक्सर, अभी वाजपेयी किया ना इसने, अभी सुसु करके मैट किला कर दिया, अभी ना सिलेंडर वाले भैया आए थे सिलेंडर देने, मैं फिर उससे बोला पूछ ले अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो, इन्हें पूछ ही नहीं यार, शर्मा आता है लड़का, मेरे को लगवा दूं 500 देगा रोज की तेरे को, ना यार इससे ज्यादा तो मार्केट से निकाल लेते हैं, स्कैल्पिंग में निकल जाता इतना तो। ये मेरी ट्रेड बढ़िया चल रही है, जिसमें सर थे उसी ट्रेड में मैं था, बट मैंने बुक कर लिया, सर अभी होल्ड कर रहे हैं और मैं भला आदमी हूँ जो मैंने बुक कर ली है ट्रेड, भला आदमी देख रहे हैं नहीं ये वो वाला था मैं जो इसमें आया, ये उसका थोड़ा फैमिली वर्जन कर दिया मैंने, देखो होल्ड करने का फल मिला। ये चीजें ना धीरे धीरे आती है, मतलब आप मार्केट के अंदर आते हो, वो थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हो मार्केट के अंदर, मार्केट का मैकेनिज्म आपको समझ आने लगता है ना, तब आपको पता चलता है कि कौन सा दिन आपको होल्ड करना है अपनी पोजीशन को, कौन सा दिन नहीं करना है। एज ए सेट होल्ड कर लेता हूँ, 70,000 कुछ का प्रॉफिट देखा, फिर वो 50 चला गया, currently 90 प्लस चल रहा है, एंड आई नो मैं इसे 1 के ऊपर जाकर ही बुक करूँगा, 96 हो गया, 98 हो गया, 97 तो जब ये 1 हो जाएगा उसके बाद, अब देखो हुआ क्या, मैंने अराउंड 2 लाख इसके अंदर डिप्लॉय करे, 1 लाख आ गए, 40% बहुत है, मोर देन इनफ है, 50% तो एक दिन में निकाल लेते हैं हम, प्रॉफिट किसी को नहीं दिखाता, खाली अपने गुरु को दिखाता हूँ और गुरु इशारा कर देगा बस, और ये ट्रेड अभी डाले हैं, पेपर ट्रेड नहीं असली अच्छा, इसका बताता था ना कुछ, ये देखो अरे ये सिस्टम बाद में चलता रहेगा, आप खाली इतना देखें, 64 पे निफ्टी मैंने बुक कर ली थी, 75 चल रही है सिस्टम है भाई, मतलब पर लॉट 450 वो अलग बात है, मेरे पास सिंगल लॉट ही था, अब सोच रहा हूँ इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करूँ, स्टार्ट लेवल भी आने वाला है बस थोड़ी देर, लेवल आ चुका, एज आई सेड अर्लियर बिफोर, बाकी का पेपर ट्रेडिंग में जाएगा तो सही चल रहा है, मेरा भी एनालिसिस गलत नहीं है। हाँ ये सुपर ट्रेंड जो है अपना, ये सर के कहने पे मैंने बाद में लगाया था, मेरी एंट्री थोड़ी पहले हो गई थी, इस ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री ले ली थी, हम भी बड़े प्लेयर हैं ना थोड़े, तो अर्ली एंट्री बनाते हैं, लेट एंट्री नहीं, मजा नहीं आता उसमें। विक्स इज अप 12% टुडे, किधर है विक्स, या विक्स सिस्टम है भाई, तभी तो गिर रही है, सिस्टम है कोंगो। अच्छा अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट, क्वांटिटी कितनी थी, 3600। जिस दिन तेरी क्वांटिटी इतनी होंगी 3600, तू क्या करेगा, अरे देख को नहीं बता सकते हम क्या करेंगे, प्लीज दे दियो, घुमा उठा देंगे। तो अब भैया ने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, अब भैया जाएंगे थार लेके, थार जा चुकी है, अच्छा थार जा चुकी है, थार को सुबह ही छोड़ के आया है, अब जाके उसमें सनरूफ लगवा लेंगे कटवा के, दिखा दे भाई, अरे ना दिखा दे, पीछे हो जा, देख इस चीज के मामले में कुछ मत कर, पीछे हो जा तू, चल तेरे जैसे को मैं दिखाना अपना, पेपर ट्रेडिंग वाले बड़े बेकार लोग होते हैं यार, थैंक यू। बच्चे नादान भैया तभी तक हैं जब तक बड़े जिंदा हैं, उनको जिंदा रखो, तो बड़े जिंदा ही रहते हैं, कष्ट मत दो। अच्छा ये बताओ, ओह चावल वाले पराठे, ओह हो हाँ भाई,
सिस्टम आ जाओ भाई खा लो। देखो इधर आओ, मैंने आपको ये लेवल दिखाया था, यहाँ पे हो सकता है मार्केट रुक जाए, और वहीं तक का मैं वेट कर रहा था। देखो वहाँ आने के बाद क्या बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आई, मैंने टाइम रहते हुए, मैंने ये नहीं चिल्लड़बाजी, नहीं इसको भी तोड़ के और नीचे जाएगा या ऐसा कुछ करेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। वहाँ आया, टारगेट लिया, बाहर। अगर मैं आपको वैसे बताऊँ, मेरा जो ट्रेड था, अगर उसको रिस्वॉर्ड रेशियो वाइज देखना हो तो समवेयर ओवर है, मैंने हाई एंट्री करी थी और जस्ट सुपर ट्रेंड के ऊपर मैंने एसएल डाला हुआ था। यहाँ मेरी एग्जिट होगी, विच इज अगेन 3.3:1 का रिस्वॉर्ड रेशियो, जो कि बहुत बढ़िया होता है। आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप 3:1 पे पहुंच गए ना, मैं देखो तीन टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है गुड ट्रेडर, एक होता है वेरी गुड ट्रेडर और एक होता है एक्सीलेंट, ठीक है। अगर आप 3:1 पे पहुंच गए ना, तो आप ये समझ लेना कि गुड ट्रेडर तो कुछ है ही नहीं आपके सामने, आप वेरी गुड की कैटेगरी में हो एंड अबाउट टू बिकम एक्सीलेंट ट्रेडर। जो 2:1 को यूज करते हैं गुड ट्रेडर होते हैं, वो ये नहीं बोलते गलत चीज है, वो भी सही है, शुरुआत वहीं से होती है, बट 3:1 पहुंच पाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे जितने भी मैक्सिमम में जितने भी ट्रेड्स करता हूँ, चाहे इंट्राडे हो चाहे स्विंग, मेक श्योर यू 3:1 हो, और 3:1 आने में टाइम लगता है। तो आपको दिख गया कि भाई 3-4 कैंडल के अंदर आ गया, नहीं आता 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कम से कम, नहीं तो 10 से 12 कैंडल्स लेता है, उसके बाद पहुंचते हैं 3:1। हम यहाँ पे लकी थे, जल्दी पैसा मिला, मार्केट ने इजिली पैसा दिया, लेके बाहर आ गए और बैठे शांति से। जेन्युइनली बताऊं तो अब शायद मैं स्क्रीन को दोबारा ओपन करके भी ना देखूं, चार्ट सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है, मैं अपना एडिटिंग का काम करूंगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना मैंने, या फिर ओवर डेटा को देखता रहूंगा, दैट्स इट। मैं अब सीधा चेक करूंगा जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा, अगर कोई सेटअप बना मेरे को कैरी फॉरवर्ड करने का तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा, दैट्स इट। अब फालतू का ट्रेड हो गया मेरे लिए, डे क्लोज। पेपर ट्रेडिंग भाई तेरे सामने तो मैं सब चीज बोलता हूँ, नहीं कुछ मिड कैप में कर रहा था ना तू। देखो गाइस, ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो अपना प्रॉफिट लेते हैं और शांति से बैठ जाते हैं, भैया और मेरे जैसे, कि अब जो कमा लिया उसको बचाना है, उसको नहीं कमाना। और ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जिनको कमवा दिया जाता है, ये उसके बाद भी और ट्रेड लेते हैं कि थोड़ा सा और आ जाए, और उसके चक्कर में कमाया हुआ पैसा भी चला जाता है। तुम्हारा कर्जा देना क्या पता देना हो, ला दे दे 4-5 हज़ार रुपये दे दे जैसे को, इससे भी ये मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को जाके बिस्किट बांटूंगा, तेरे को दूंगा 4-5 हज़ार। कल तो तू ही बैठा हुआ था वहाँ पे, तो एक ही अच्छा खासा यहाँ पे मुझे ट्रेड सेटअप मिल रहा था। एक्चुअली जो मेरा सपोर्ट का लेवल मार्क था वो मैंने देखा, और वहाँ पे मेरे को कुछ मेरे सेटअप्स थे मुझे लगे बढ़िया कि हाँ यार यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो एक छोटा सा मैंने एक और एक ट्रेड डाला था यहाँ पे, सॉर्ट ऑफ अ स्कैल्प टाइप आप इसको बोल सकते हो। सो एक ट्रेड ये भी और मैंने डाला था, जिसको आई थिंक कि अगर तो क्लोजिंग मेरे फेवर में आती है, सो आई विल कैरी फॉरवर्ड दिस ट्रेड, नहीं तो मैं अभी इसको बुक करके मैं बाहर आ जाऊँ। सो सोचा आप लोग को एक ही छोटा सा अपडेट और दे दूँ। सो फाइनली गाइज, मैंने अपने दिन को कर दिया क्लोज, ट्रेडिंग डे को, मतलब आज की ट्रेडिंग, एंड ऑफ डे ईओडी हो चुका है मेरे लिए आज का। क्लोजिंग जो है मेरे फेवर में है, बट स्टिल मैं ना कैरी फॉरवर्ड अभी नहीं कर रहा। दे आर फ्यू पैरामीटर्स जिनको कि मैं चेक करता हूँ जब मुझे कोई पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करनी होती है। मैं बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करूँ, और जब मैं करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ सारी चीज़ें जो जो मेरे पैरामीटर्स हैं, तो उनमें से सारे पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहे कि मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ अपने बुलिश एक्सपोजर को। सो फाइनली आई हैव बुकड आउट। सो 1:25 मॉर्निंग तब बने थे, 45 अब हो गए। सो ओवरऑल 170 का प्रॉफिट आज हमने लॉक इन करा है, और आज के इस डे को यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ना ज़्यादा कुछ खास दिन था कोई, ना ज़्यादा बहुत बढ़िया दिन था, ना कोई बहुत बुरा दिन था, ठीक ठाक डे था, बढ़िया था, प्रॉफिटेबल रहे, आज का प्रॉफिट बुक करा, और ज़्यादा लालच नहीं करा मार्केट से, सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, दोबारा सही टाइम पे एंट्री, दोबारा सही टाइम पे एग्जिट। अब विल सी, कल बनाऊंगा फ्रेश व्यू मार्केट के अंदर, देखता हूँ क्या होता है। एक तो भाई साहब वो लगाऊंगा, एक तो सबसे बड़ा वो जो होता है ना ब्लू कलर का, वो जिसको बोलते हैं ऐसे नज़र नहीं लगती, वो लगाऊंगा। बहुत नज़र लगने लग गई है मेरे को आजकल, मम्मी बता रही थी मेरे को तेरे को नज़र लग रही है बहुत ज़्यादा, तो वाला सीन है। ये तो पता चले तुम लोग प्रॉफिट पे भी नज़र लगा दो भाई साहब, रोजी रोटी है मेरी, तो बहुत बड़े वाला वो लगाऊंगा मैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, नज़र नहीं लगानी, मैं बता रहा हूँ, मैं भैरव बाबा की भी पूजा करता हूँ, उठा के पटक देंगे तुम्हें, नज़र नहीं लगानी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ट्रेडिंग वेडिंग सुबह से लगा हुआ था, सोच रहा हूँ जिम चला जाऊँ, जिम चला जाता हूँ, फिर उसके बाद आज मैंने करण को भी बुलाया, करण आएगा, करण से मिलेंगे आज, कुछ मेरे को शूट्स करनी है, एजुकेशनल वीडियोस वो सब भी शूट करेंगे। सो करण के आने से पहले मैं सोच रहा हूँ जिम विम करके एकदम फ्री हो जाऊँ, और फिर उसके बाद अपना रात को जो है वीडियो का सिस्टम
वो करते हैं, प्लस आज मेरी 10 बजे क्लास भी है ऑनलाइन अल्फा की, सो वो भी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का दिन थोड़ा सा एक्टिक, आज की शाम थोड़ी सी एक्टिक रहेगी, विल सी, देखते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है, फल चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय। घंटे भर में वापस आ जाऊंगा, मुझे इससे जो चीजें पूछूंगा पूछ लूंगा, और रात को जो 3-4 वीडियो शूट करनी है सारी वीडियो शूट करके खत्म, इस हफ्ते का काम खत्म, सिस्टम है, सिस्टम है। अच्छा मुझे ना इसे 10 कदम दूर तक छोड़ने जा रहा है, तो कह रहा भैया मुझे बाइक पे लिफ्ट दे दो। ये सामने गली में इसका घर है। काफी टाइम से, अरे तू कैमरा ला। सो काफी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही थी, आई नो, क्योंकि मतलब सब कहीं ना कहीं बिजी हो रखे थे। सब नहीं, सब तो बिजी था, सभी अपने शेड्यूल पे ही हैं। अरे मतलब मैं मतलब बिजी हो गया था, क्योंकि मैं मतलब बता नहीं रहा, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो मैं बता दूंगा बाद में, कोई नहीं। तो फिर वहाँ पे मैं कुछ जगह में बिजी हो रखा था, तो अभी फिर ब्लॉग्स वगैरह एडिट नहीं हो पा रहे थे और शूट भी नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए भी वीडियो नहीं आ रही थी, और भी कुछ रीजंस थे, तो फाइनली ब्लॉग एडिट हो चुका है। और यार आजकल के बच्चे कैसे हैं यार, कैम्ब्रिज स्कूल में भैया कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर एसी नहीं चल रहे, तो उनके माँ बाप ने पता नहीं आके क्या बोला कि एसी नहीं चल रहे, हमारे बच्चे यहाँ नहीं बैठेंगे। उसके नीचे अब उन्होंने स्कूल वालों ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर एसी नहीं चलते तो कोई बात नहीं, हम आप कर लो जो हमने करना, पता नहीं आजकल के बच्चों को ऐसी की फैसिलिटी चाहिए, हम साले खम्भे के नीचे बैठ के पढ़ने वाली फैसिलिटी दी है। खम्भे के साले हम सब में सबसे महंगे स्कूल में ये पढ़ा है और सबसे कम परसेंटेज भी इसके लिए बैठ लगा सकता हूं मैं 12वीं में, 58% नहीं होती वही इसको दान कहते हैं। और बारहवीं का पढ़ाई लिखाई छोड़ना उसको सक्षम भाजपा ही कहते हैं, नल्ला बैठना उसको सक्षम भाजपा ही कहते हैं। तो ये व्लॉग था, ये अभी तक आपने देख लिया होगा, ये अपलोड हो गया। सो ये रे भैया कैसा लगा काफी टाइम बाद जिम जाके? अरे मत पूछो यार, क्या फीलिंग थी जिम में जाने के बाद, क्राउड तो पूरा ही चेंज हो गया है, मतलब पुराने लोग तो मुझे देखे, या ये कह सकते हो कि उनकी मेंबरशिप खत्म होगी होगी, तब तक मैं तो 2-3 महीने बाद जिम, 2.5 महीने बाद, मज़ा आ गया, वर्कआउट करा अच्छे से, ज़्यादा तो नहीं कर पाया बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने वर्कआउट करा, करने के बाद ज़्यादा हैवी नहीं किया, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करी, अकेले था, जिम भी खाली था, गिनती के कुछ लोग थे, फटाफट मस्त वर्कआउट करके नहा धो के अब हम आ गए। 10 बजे मेरी अल्फा की क्लास है, तो टाइम लगा तो उससे पहले एकदम, मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद ही 10 बजे 1 घंटा क्लास करने के बाद हम बैठ जाएंगे सारी वीडियोस एडिट कर, ओ एडिट नहीं शूट कर, एडिट होती रहेगी, इसको अभी एंड करना है, खींचेगा ये नहीं, अभी तो थोड़ा दिखाएंगे, अभी एंड नहीं करेंगे, अभी दिखाएंगे, सब बाहर चलता है कुछ खाने पीने का लेके आता है वही दिखा देंगे, कहाँ चल रहेगा बताओ गोडावरी। ना ना एक काम करना, वो मैं बताता हूँ, लहसुन प्याज का तो अभी खाना नहीं ना, तो वो ले आइयो क्या कहते हैं सागर रत्न से ना इडली चाट, इडली चाट अबे एक नंबर होती है, मैं कह रहा हूँ। ओ अच्छा चालू देखिए स्वाद आ जाएगा भाई जीवन में स्वाद, ये खाने वाला स्वाद तो नहीं कर सकते भाई, ये देखा इन सबको, ये देखे मैंने एडिट करा है भाई, देखो ये, ये देखो ये इंट्रो मैंने एडिट करा है, तुम क्या सीख के अकेले तो सीख के ये भी मैंने डाला है। अरे वो छोड़ो पीयूष, रुपए कितने पड़े हैं, क्या करेगा बता तो ना, मेरे को नहीं बताना तेरे को, तेरे से तो खास कर बता, कितने पड़े पड़े हैं, कितने पड़े हैं, मोटी पार्टी है कर, क्या कर रहा भाई पीयूष, बैठी कुछ कमा दबाने भाई, अबे तू क्यों उसको परेशान कर रहा है, तेरी प्रजाति का है तो हमने मान लिया तेरी प्रजाति का, लेकिन उसको छोड़ तो दे बेचारे को, वो तेरे दूर जाना चाह रहा है तो छोड़ नहीं रहा पागल की तरह, अभी तो सो के उठा है, नीचे रख दे उसको, वो भी बोल दिया कर किसी दिन, इतनी बगाती कर रहा, बॉक्सर काटता क्यों नहीं तू उसको, वो कुत्ता वही काटता है खाली। हाँ जस्ट अभी फ्री हुआ लेक्चर से, इसको ये ले।
तू कर दे भाई, तू कर दे बॉक्सर, मैं कर दूँगा। आई क्यों है, लग रहा है तेरा दांत। बॉक्सर आई दे, फिर पार दे। बॉक्सर व्लॉग एंड कराने आया है। हाँ जी बोलो। अच्छा मतलब है ना, डोज का टाइम आ गया ना तेरी। हाँ आई इधर, इधर इधर है ना। तुरंत लेगा। चलो कंटिन्यू। सो फाइनली कंप्लीट आज का पूरा दिन। क्लास लेनी थी हो गई, वो भी बहुत अच्छी क्लास हुई। जो चीज़ मेरे को जैसे डिलीवर करनी थी मैंने डिलीवर करी और स्टूडेंट्स को समझ भी आई। अब बस वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ। ये अल्फा प्रोजेक्ट की क्लास थी हमारी, अभी ऑनलाइन ना सिर्फ अल्फा प्रोजेक्ट ही चल रहा है। क्वेरीज तो बहुत आ रही है कि सर टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट कर दो ऑनलाइन। अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बहुत क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, कि टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करो ऑनलाइन। मैं भी हो सकता है कर दूँ स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओनली बता दूंगा आप लोगों को अगर किया तो। सो फ्री हो चुके हैं, बस थोड़ा सा रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपलोड कर दें और उसके बाद इस व्लॉग की फाइल्स को भी डाल दें एक बार लैपटॉप के ऊपर। बस उसके बाद कम्प्लीट आज का दिन खा पी के मस्त सोएंगे, सुबह उठेंगे लाइव ट्रेड पे जाना है। बाकी अभी पता नहीं मेरे को यहाँ पे एल्बो पे स्प्रेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सा स्प्रेन हो रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये भी एक बार मैं देखता हूँ क्या चीज़ है, इसको भी एक बार सेट करते हैं। चलो मिलते हैं आप लोगों से किसी नए ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, शब्बा खैर। वो देख लेना क्या होता है उसको लास्ट वाला जो हम डालते क्रेडिट सीन, बड़ा मजेदार आज का क्रेडिट सीन लास्ट वाला, वो जरूर देख के जाना। चलो कल के ब्लॉग में मिलूंगा, बाय बाय। ओए तो अब लग रहा है तू काला, उस दिन तो वहां दे रहा था शायद। हो गया हूं बहुत ज्यादा, मैं तो बचपन से ही गोरा हूं। तू गोरा है तो सुअर की ढंकी है।